अभी गिरता है फोन और कुछ नहीं है। सो Hey, this is Vedika Mehta, and today we are not just traveling but also meeting someone who's admired by a lot of people all across the country, and that person is Mr. Sanjay Mishra. तो चलिए संजय मिश्रा से बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या व्यूज हैं उत्तराखंड में ट्रैवल करने के और पहाड़ों की नॉर्मल लाइफ और अनसीन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में। मैं उत्तराखंड आया था अभी लॉकडाउन के बाद। एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि हर एक की चेकिंग हो करके भेजी जा रही थी पहाड़ों में। जी सर, थोड़े कम थे यहाँ केस और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि रोक के रखे, और अभी भी कोशिश जारी। हम लोग काफी लोग, दो चार पांच लोग बंबई से आए थे, सबके टेस्ट हुए, सबका वो हुआ, तो एक सिक्योरिटी है यहाँ पे। जी सर, बड़े शहरों में इतना आप नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। यहाँ एटलीस्ट गवर्नमेंट को मालूम है या प्रशासन को मालूम है कि कहाँ कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। और मैं तो अपने बच्चों को यहाँ डीडी हाट छोड़ा हुआ हूँ, पिछले डेढ़ महीने से वो यहीं है, और यहाँ की पहाड़ी जिंदगी जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मतलब दौड़ना धूपना, ये सीढ़ी से उधर उतर जाना, वहाँ से ऊपर आ जाना, जो बम्बई के जो अपार्टमेंट सिस्टम है उसमें ये चीज़ नहीं होता। यहाँ काफ़ी खुला खुला उनको लग रहा है। और डीडी हाट मेरा ससुराल भी है, तो एक इस जगह से अलग ही रिश्ता है मेरा। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि नैनीताल तक होते हैं, घूम लेते हैं भीमताल ललिताल और ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप इधर आते हैं तो इधर की एक अलग ही खूबसूरती है, एक अलग ही पहाड़ है, जो बिल्कुल उस पहाड़ से मुझे तो बहुत अलग लगता है। आई डोंट नो क्यों लगता है, लेकिन बट हाँ है कुछ। यहाँ देखने के लिए भी काफ़ी जगह है। ये मेरे पीछे दिखा होगा कोट है, बैकुंठ धाम एक अच्छी जगह है। कल हम लोग गए थे शांति कुंज, दामोदर राठौर जी ने उसको बसाया है। बसाया क्या मतलब, वो कहते थे मेरे बच्चे हैं, एक एक पेड़ उन्होंने अपने हाथ से लगाया है जो अब दिख रहा है। काफी खूबसूरत और शांत जगह, बहुत ही शांत जगह। सो गाइस, वी जस्ट हर्ड संजय मिश्रा टॉकिंग अबाउट शांति कुंज, एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली टू रीच शांति कुंज। शांति कुंज ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है डीडी हाट से। बीच में आपको बहुत सुंदर वैलीज, विलेजेस और पहाड़ भी दिखाई देंगे। तो अब हम गाड़ी में आए यहाँ तक, अब आगे यहाँ से हमें पैदल जाना है, लाइक ट्रैकिंग टाइप। तो चलो ट्रैक करते हैं। So this is Shanti Kunj. शांति, भीड़ भाड़ से दूर और प्रकृति के करीब। शांति कुंज अपने नाम की तरह है, यहाँ आपको हर तरह के पेड़ और पौधे मिलेंगे। दामोदर सिंह राठौर जी के नाम से शांति कुंज बहुत फेमस है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और पौधे लगाए। 8 करोड़ पेड़ों का लक्ष्य था जो उन्होंने अपने जीवन काल में पूरा किया। आपको यहाँ पर
प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो शांति कुंज ज़रूर आएं। यहाँ आपको पहाड़ी घर में रहना, पहाड़ी व्यंजन सबका अनुभव मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ बैठकर बॉनफायर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ एक पॉन्ड भी है जिसके किनारे बैठ के आप नेचर का आनंद ले सकते हैं। ये इंटीरियर है बैठने के लिए, मतलब आप यहाँ पे बैठ सकते हो अगर आपको बाहर पे नहीं बैठना है। ये मूर्तियाँ दामोदर सिंह राठौर ने अपने हाथों से बनाई और पेंट की हैं। ये एक होम स्टे है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। वहाँ एक तो जल माता का मंदिर है, वो जरूर देखो जी, बहुत खूबसूरत है। और दोनों तरफ जो स्रोत निकल रहे हैं पानी के, बीच में मंदिर है, कमाल है, कमाल। हम जा रहे हैं जल देवी मंदिर, ये भी यहीं पर है और यहाँ पे है, ये रहा मंदिर। देखो ये बैम्बू स्टिक से कितना प्यार से उन्होंने गेट टाइप बना रखा है, और यहाँ से ऐसे पानी भी आ रहा है, यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, दोनों तरफ से पानी आ रहा है मंदिर के। संजय मिश्रा जी ने यूथ के लिए भी एक मैसेज दिया है, तो उनके मैसेज से हम वीडियो एंड करते हैं। आजकल के यूथ को क्या, यूथ में मानता ही नहीं, जब तक आप काम कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, आप यूथ हैं। आप काम नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी नशे में ठोक रहे हैं, तो फिर काय का यूथ। हाँ। तो काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। हो सकता है अभी इससे तुमको पैसे नहीं आ रहे हो, लेकिन हो सकता है वही आपको नाम भी दे, काम भी दे और सब कुछ दे। तो यूथ को हमेशा काम करते रहना चाहिए। और ये पहाड़ जैसी जगह पे जितने प्लांट्स, छोटे बड़े हर तरह के प्लांट्स अगर यूथ या कोई भी लगाए तो एक खूबसूरत चीज होगी। बांस के पेड़ लगाओ यहाँ जितने हो सकते। नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ की कवर करूँ आप कमेंट करके बताइएगा।
और मैं कोशिश करूंगी कि उस जगह को कवर कर सकूं। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब।